नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। सीबीएसई ने 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से और थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी से निर्धारित की है। शीतकालीन स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल 5 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक होंगे। डेट सी दिसंबर में जारी होने की उम्मीद है। छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। कुछ आपात स्थितियों में छूट मिलेगी। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में पिछले 5 दिनों में 6% से अधिक की बढ़त हुई है और ये 1794 के करीब पहुंच गए हैं। वर्तमान में शेयर 1750.50 पर ट्रेंड कर रहा है। सीएलएसए के लॉरेंस बालिंको ने 2500 का टारगेट दिया है और शेयरों को एक्यूमुलेट करने की सलाह दी है, जिससे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्याय की देवी और कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में एकतरफा बदलाव पर आपत्ति जताई है। एससीसीबीए ने कहा है कि इन परिवर्तन पर बार के साथ कोई परामर्श नहीं हुआ। उन्होंने नए संग्रहालय के प्रस्ताव का भी विरोध किया है और पुस्तकालय एवं कैफे की मांग की है। वर्तमान कैफेटेरिया को अपर्याप्त बताया। चक्रवाती तूफान दाना पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट के करीब पहुंच चुका है। लैंडफॉल आज रात संभव है। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। ओडिशा के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे पेड़ गिरने और कच्चे मकानों के रहने का खतरा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रदूषण रोकने के उपायों पर बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री अतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शामिल हुए। जीआरएपी 2 लागू किया गया है, लेकिन वर्क फोर्स की कमी है। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को तैनात किया जाएगा। डीजल वाहनों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और आपातकालीन आर्टिफिशियल बारिश की योजना बनाई गई है। भारत में बढ़ती दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड के तहत सब्सिडी युक्त दालों की बिक्री की घोषणा की है। चना, मूंग और मसूर दालें रियायती दरों पर उपलब्ध होंगी। जैसे चना साबुत 58 रुपये प्रति किलो। ये कदम त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के लिए राहत प्रदान करेगा। जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला में कोर्ट परिसर में ग्रेनेड फटने से एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया। हाल ही में कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर हमले बढ़े हैं, जिससे त्राल में एक मजदूर घायल हुआ और गांदरबल में 6 मजदूरों की मौत हुई। उपराज्यपाल ने मृतकों के परिवार को अनुग्रह राशि दी है। दिल्ली मेट्रो ने स्तन कैंसर जागरूकता के लिए एक विवादित विज्ञापन को हटाने का निर्णय लिया, जिसमें अपने संतरों की जांच करें लिखा था। डीएमआरसी ने कहा कि यह विज्ञापन थर्ड पार्टी द्वारा लगाया गया था और इसे केवल एक ट्रेन में प्रदर्शित किया गया था। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना के बाद विज्ञापन को तुरंत हटा दिया गया। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 258 रुपये के प्लान में 52 GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग और 52 दिनों की वैलिडिटी की पेशकश की है, जबकि प्राइवेट कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाए हैं। बीएसएनएल ने अपने किफ़ायती प्लान से यूजर बेस में वृद्धि की है। कंपनी 4G नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। खरगोन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दीपावली के त्यौहार पर औचक निरीक्षण कर 9 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए हैं। इंदौर में भी एक बस से ग्वालियर ले जाए जा रहे मिलावटी मावे को जब्त किया गया। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की घोषणा की है। हुआंग ने भारत की जनसंख्या और कंप्यूटर इंजीनियरों की संख्या को महत्वपूर्ण बताया। दोनों कंपनियां पहले से सुपर कंप्यूटर और भारतीय भाषाओं में भरे भाषा मॉडल बनाने पर काम कर रही है। आपातकालीन स्थितियों में जैसे विस्फोट की धमकी पर पायलटों को विमान का वजन कम करने के लिए ईंधन डंप करना पड़ सकता है। ये प्रक्रिया, जिसे फ्यूल जेटिसन कहा जाता है, उच्च ऊंचाई पर की जाती है ताकि अधिकांश ईंधन वाष्पित हो जाए। ये सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षित लैंडिंग में मदद करती है, विशेषकर बड़े विमानों में। क्या आपको GPS और GIS में अंतर पता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS दोनों महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। GPS सैटेलाइट के माध्यम से सटीक स्थान और समय प्रदान करता है, जबकि GIS ज्योग्राफिकल डेटा के संग्रह और विश्लेषण में मदद करता है। GPS मुख्य रूप से नेविगेशन के लिए उपयोग होता है, जबकि GIS टाउन प्लानिंग और पर्यावरण प्रबंधन में उपयोगी है।
दिवाली के फेस्टिव सीजन में विभिन्न राज्यों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, बिहार और मध्य प्रदेश में 2 दिन 1 से 2 नवंबर, जबकि गुजरात और राजस्थान में भी 3 दिन की छुट्टी होगी। महाराष्ट्र में लंबी छुट्टी की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी छुट्टियाँ घोषित की गई हैं। डेरिवेटिव्स, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस F&O भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि 90% निवेशक हर साल नुकसान उठाते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के ट्रेडर्स में घाटे का संख्या 93% तक पहुंच गया है। मुख्यतः छोटे शहरों के निवेशक इस जोखिम भरे बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित होगी। फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है। भारत की टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या उप कप्तान हो सकते हैं। टीम में विराट कोहली और अन्य प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि भारत के पाकिस्तान जाने पर सुरक्षा चिंताओं के कारण अभी भी संशय बना हुआ है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 22 नवंबर से शुरू होगी। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए नए हेड कोच सितांशु कोटक को नियुक्त किया है। वे इंडिया ए की कोचिंग में भी संभालेंगे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान और अभिमन्यु ईश्वरन उप कप्तान होंगे। कोटक ने पहले भी इंडिया ए के लिए कोचिंग की है। वन प्लस ने भारत में दिवाली सेल का ऐलान किया है, जो 5 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान वन प्लस 12R और Nord CE4 पर भारी छूट मिलेगी। OnePlus 12 की कीमत 54,999 रुपये, 12R की 32,999 रुपये और Nord CE4 की 21,499 रुपये है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर अतिरिक्त कैशबैक और नो कॉस्ट EMI विकल्प भी उपलब्ध है। दूरसंचार विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कुछ बेईमान कंपनियां मोबाइल टावर लगाने के नाम पर धोखा दे रही हैं। ये कंपनियां मासिक किराए का वादा कर विभिन्न नामों से पैसे मांगती हैं और बाद में गायब हो जाती हैं। जनता को सलाह दी गई है कि धोखाधड़ी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को करें और कंपनियों की प्रामाणिकता जांचें। जोमैटो ने फेस्टिव सीजन के दौरान फूड डिलीवरी की प्लेटफॉर्म फीस 10 रुपये तक बढ़ा दी है। कंपनी का कहना है कि वृद्धि उसके खर्चों को कवर करने और व्यस्त समय में सेवाएं बनाए रखने में मदद करेगी। ये बदलाव कुछ शहरों में लागू किया गया है, जहां शुल्क पहले 7 रुपये थे। संजय दत्त इन दिनों कई फिल्मों में व्यस्त हैं, लेकिन फैंस मुन्ना भाई 3 का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि वे राजकुमार हिरानी से पूछते पूछते थक चुके हैं कि अगली फिल्म कब बनेगी। हिरानी ने बताया कि उनके पास सीरीज के लिए 5 स्क्रिप्ट है, लेकिन अभी तक कोई पूरी नहीं हुई है। शाहरुख खान की चर्चित शो फौजी एक बार फिर से डीडी नेशनल पर प्रसारित हो रही है, जो आज से शुरू हो गई है। ये शो भारतीय सेना के कमांडो रेजिमेंट की ट्रेनिंग पर आधारित है और शाहरुख ने इसमें लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का किरदार निभाया था। इसे पुनः प्रसारित करना शो की सफलता का जश्न मनाने का एक तरीका है। HUL के शेयरों में गुरुवार को 6.70% की गिरावट आई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों का परिणाम है। मुनाफा 4% घटकर 2,612 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि ऑपरेशन से आय में 2% की बढ़ोतरी हुई है। ब्रोकरेज हाउस नुआमा ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3,395 रुपये किया है। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने अक्षय कुमार के सवालों का जवाब दिया कि AI इंसानों की नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि उनकी उत्पादकता बढ़ाएगा। उन्होंने AI को मानव जीवन के लिए वरदान बताते हुए कहा कि ये सृजनात्मकता, भावनात्मक समझ, सामान्य ज्ञान और अनुभव से सीखने की क्षमताओं में सीमित है। AI का गलत उपयोग इंसानों के लिए खतरा भी हो सकता है। अकाउंटिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग ने कई कर्मचारियों को निकालने का निर्णय लिया है, जिन पर कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें एक साथ कई ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशनों में भाग लेने के को प्रोत्साहित किया गया था। EY ने इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया है। पिछले साल एक महिला कर्मचारी की मौत के मामले में भी कंपनी विवाद में रही थी। इनकम टैक्स विभाग ने विभिन्न पदों जैसे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट कोर्ट मास्टर और स्टाफ कार ड्राइवर के लिए कुल 7 वैकेंसी निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 2 दिसंबर 2024 तक चलेगी। आवेदन ऑफलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया डेपुटेशन पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन PDF देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह साइकिल के तहत चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, जिससे स्पष्ट होता है कि वो सपा का समर्थन कर रही है। चुनाव 13 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा किया। उनके पास कुल 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 4.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उन्होंने 46.39 लाख रुपए की सालाना आय का भी उल्लेख किया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है कंचन राजवंशी, बाबूलाल मरांडी, राजमोहन वर्मा, रामबाबू दास, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, सपना कुमारी, नीतीश नौसाद राजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रविशंकर शाह, संजीव कुमार शेख, अकबर, मिथिलेश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको किस भारतीय एक्टर और एक्ट्रेस की फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।